नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की, जिसमें अभी तक पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिपिंग सर्विस ऐड की थी अपने चेकआउट प्रोसेस में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे कि कैसे हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, तो स्टॉक से आप समझ तो गए होंगे कि किस टाइप का स्टॉक, कि जैसे कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो उसको स्टॉक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मेरे पास ये रीबॉक का शूज़ का जो क्वांटिटी है वो 10 है। ठीक है, वो 10 स्टॉक में है। ठीक है, तो 10 से ऊपर वो ना ही परचेज हो पाएगा और ना ही, और जैसे ही 10 जब स्टॉक में वो वैल्यू, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी हमारा चला जाएगा और वो ऑप्शन आ जाएगा हमारा आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, इस टाइप का कुछ तो ये इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इसमें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा मॉड्यूल हमें चाहिए। हमें चाहिए कॉमर्स स्टॉक। ठीक है, कॉमर्स स्टॉक के थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा की तरह इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब चलते हैं, इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर जब स्टॉक में आप चेक करोगे, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कॉमर्स सिंपल स्टॉक। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम ऑन कर लेते हैं सब। ठीक है, ये रहने देते हैं, हमारे डेसिमल फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे कि डेसिमल में कोई चीज़ हमारा कोई रहे, जिसको ज़रूरत होगा वो उस केस में देखेंगे। ठीक है, तो इसको इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही इनेबल हो जाएगा तो हमें स्टोर के अंदर एक स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर हम अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनेबल हो रहा है। ठीक है, इनेबल हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टोर में कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन आ गया स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट ये आ गया। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो स्टॉक से मैनेजमेंट हो गया। और यहाँ सिंपल स्टॉक का एक सेकंड टैब आपको दिख रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है किस प्रोडक्ट टाइप के लिए आपको स्टॉक मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जो इस वेबसाइट पर जो कॉमर्स पर जो काम कर रहे हैं वो केवल इसी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट टाइप के लिए कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक करके सेव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा अब नेक्स्ट टाइप में हमारा स्टॉक वैलिडेशन है। ये अपने रूल हैं इनके। ठीक है, स्टॉक कंट्रोल है, ये इनके अपने रूल हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जब हमें कुछ करना होगा देखेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट पे और चल के देखेंगे। तो जो आपको पेज दिख रहा है, इससे पहले थोड़ी देर पहले ये रिफ्रेश नहीं था, उससे पहले कैंसिल बटन ऐड टू कार्ट के, अब सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ठीक है, तो आप यूज़र इसको परचेज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने स्टॉक में इसकी वैल्यू डाली नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक, जब आप प्रोडक्ट पर जाओगे, प्रोडक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलेगा, और जब एडिट करोगे आप तो यहाँ पर आपके स्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा, ये एक फील्ड आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस फील्ड में आपको अपना स्टॉक ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए अगर स्टॉक ऐड करता हूँ कि 10 स्टॉक ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 10 स्टॉक ऐड हो गया। बंद करते हैं इसको। अब देखिए, ये इसके ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हमारे पास आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए कि स्टॉक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग चलेंगे इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके
फिर से रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले से कुछ प्रोडक्ट थे, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास स्टॉक में हम लोगों ने 10 एंट्री की थी, ठीक है, तो 10 तक जब लेते हैं तो अपडेट करते हैं तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है, 10 का हमें मिल रहा है। अब जैसे कि 10 के बजाय हम 11 अपग्रेड करेंगे तो ये देखिए, द मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ द दिस प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑर्डर इज 10, ठीक है। तो हम इसको अब, क्योंकि हमारे स्टॉक में जो हमारी स्टॉक में जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें 10 ही क्वान्टिटी हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक का कॉन्फ़िगरेशन करके अपने प्रोडक्ट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू, और मतलब ये सही है कि कोई प्रोडक्ट आपके पास कितनी क्वांटिटी में है तो आपको भी इन्फॉर्म रहेगा कि कितना क्या है, मतलब एक पूरा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।